सावधान जय श्री ओम नमः सिद्धे भयं वंदितु सिद्धे धूवमचल मनो अमम पत्ते वोच्छामि समय पागुड़ मिन्नमो सुदके वली भणिदम् नमः समय सारायु स्वानुभूतिया चकासते चित्स्वभावाय भावाय, भावाय सर्वभावांतर चिदे अनंत शक्ति उल्लसित यद्यपि आतम राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को सेताली सब बखान <coughs> आचार्य कुंद कुंद देवी रचित समय परमागम के आचार्य अमृत चंद्रकृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में अंत में स्याद्वाद अधिकार लिखा है स्यादवाद यद्यपि दो अधिकारों में विभक्त कर दिया ये स्यादवाद अधिकार और अगला उपाय उपेय अधिकार परंतु दोनों ही ज्ञान मात्र आत्मा को अनेकांत स्वरूप सिद्ध करने के लिए लिखे गए हैं जो अभी स्यादवाद की सिद्धि की और उस स्यादवाद की सिद्धि में स्यादवाद तो जानने कथन करने की शैली है और उसके माध्यम से ज्ञान मात्र आत्मा को अनेकांतात्मक सिद्ध किया अनेकांतात्मक है अकेला ज्ञान मात्र नहीं है और उस अनेकांतात्मक में परस्पर विरुद्ध दो धर्म एक साथ होना और साथ में अनंत धर्मों का होना ये दोनों प्रकार के अनेकांतात्मकपने की सिद्धि की गई अब उस प्रकरण का उपसंहार यहां दो और दो सौ पैंसठ इन कलशों में कर रहे हैं अगला जो उपाय उपेय अधिकार आ रहा है वह भी उस अनेकांत या सदवाद से संबंधित ही है वहां भी यही प्रश्न खड़ा किया है जब आप अकेला आत्मा आत्मा को अकेला ज्ञान मात्र कहते हो तो अकेले ज्ञान मात्र पने में उपाय और उपेय ये दो बातें कैसे सिद्ध हो सकती हैं? फिर वो वहां पर भले ज्ञान मात्र कहा है तो भी ज्ञान मात्र पने में ही उपाय और उपेयी ये दोनों बातें भी घटित हो जाती है ये भी अनेकांतपना है तो उसकी चर्चा भी आगे आएगी तो वह भी एक तरह से साद्वादर अनेकांत में ही शामिल है लेकिन विषय की दृष्टि से ये मुख्य रूप से बनारसी दास जी ने जो अपने पद्यों में नाटक समय सार में इन अधिकारों का जो विभाजन किया है उन्होंने इसको साधवाद अधिकार कहा है और आगे वाले को उपाय उपे साध्य साधक द्वार कहा उपाय उपेय वाले को साध्य साधक द्वार कहा तो उसी आधार से यहाँ जो अधिकारों का विभाजन है वो किया गया है अब जो दो कलश है इन दो कलशों में दो वाला जो अभी कलश आ रहा है ये अभी तत्काल अनेकांत अनंत धर्मात्मक आत्मा को कहा गया अनंत शक्तियाँ इसमें उछलती है इसलिए पिछले विषय का और आगे विषय को जोड़ते हुए जो बात की है वह 604 नंबर पेज पर वहाँ से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं बीचों बीच में इस प्रकार संबंध शक्ति की चर्चा के साथ साथ सैतालीस शक्तियों की चर्चा भी समाप्त होती है अंतिम संबंध शक्ति हो गई उक्त सैतालीस शक्तियों की चर्चा में दृष्टि के विषय भूत अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा का स्वरूप तो स्पष्ट हुआ ही है साथ में उछलती हुई शक्तियों की बात कहकर शक्तियों के उछलने की चर्चा करके निर्मल पर्याय रूप से परिणमित होने की बात करके द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य की चर्चा के साथ साथ पर्यायार्थिक नय के विषयभूत निर्मल परिणमन को भी स्वयं में समेट लिया है अरे वो जो पहले सातवाद वाली जो बात थी वो अनंत धर्मों में भी भले ही सैतालीस शक्तियों की बात की अनंत शक्तियों की जहाँ बात की गई उसमें उसको कायम रखा एकांत नहीं रखा अकेला शक्ति रूप धर्मों की बात न करते हुए तो शक्ति रूप धर्म द्रव्य स्वभाव रूप हैं परंतु अकेले उसकी बात न करते हुए उसके उछलने की या प्रकट पने की बात करते हुए निर्मल पर्याय को भी शामिल किया इसलिए द्रव्य पर्यात्मक दोनों की चर्चा उसमें आ गई है इस प्रकार इसद अधिकार में द्रव्य पर्याय आत्मक अनेकांत स्वरूप आत्म वस्तु को सद्वाद शैली में स्पष्ट किया गया है इस प्रकार सैतालीस शक्तियों की चर्चा करने की तत्काल बाद आचार्य देव दो छंदों में इस प्रकार का इस प्रकरण का उपसंगार करते हैं उसमें से दो सौ चौसठवा कलश कलश पढ़ते हैं सभी मिलकर एक साथ इत्यादने कनिज शक्ति सुनिर्भरो योग्यान मात्र मयतां न जहाति भाव एवं क्रमाक्रम विवर्ति विवर्त चित्रम् तद्रव्य पर्यायमय वस्तु अंतिम पंक्ति तद चित वस्तु अस्ति बीच के दो शब्द छोड़ दिए द्रव्य वस्तु तत अस्ति और ये शब्द और जोड़ लीजिए ये शब्द तो सामान्य अर्थ में है हिंदी जो अर्थ की चर्चा की है वह भी वहीं से प्रारंभ की है ये से ही प्रारंभ की है यह माने इस लोक में इस लोक में चिद वस्तु तद अस्ति या तत् चिद वस्तु अस्ति लोक में चैतन्य स्वरूप वस्तु वो है ये कौन सी अब दूसरी पंक्ति यो ज्ञान मात्र मैं न जहाती भावहा वो चैतन्य रूप वस्तु है चित वस्तु है जो यो भाव वो भाव चैतन्य मात्र वस्तु है जो भाव ज्ञान मात्र मैं न जहाती ज्ञान मात्र पने को नहीं छोड़ती है कभी नहीं छोड़ती है किसी रूप में किसी प्रकार से कितनी भी उसकी चर्चा करो लेकिन लौट फिर करके वह ज्ञान मात्र ही रहने वाली है कितनी भी विशेषता बताओ चैतन्य मात्र वस्तु की बात की जाएगी चित वस्तु की बात की जाएगी जीव की बात की जाएगी आत्मद्रव्य की बात की जाएगी तो वही होगी ज्ञान मात्र मैं न जहाती वही भाव चैतन्य रूपात्म वस्तु हो सकती है जो ज्ञान मात्र में ज्ञान मात्र पने को नहीं छोड़ती है ज्ञान मात्र स्वरूप ही है किसी किसी भी वस्तु की अग्नि की चाहे जितनी विशेषताओं की चर्चा करो अंत में लौट फिर करके कहा आओगे उष्णता पर ही आओगे मिश्री गुड़ इनकी कितनी भी चर्चा करो चाहे जितनी विशेषताओं की लौट करके मिठास पर ही आओगे क्योंकि वो उसका मूल स्वरूप है अब इसको नास्ती से देखो सारी चर्चा हो और यदि मिठास की चर्चा न हो तो क्या मिश्री गुड उसकी चर्चा है क्या वह सारी चर्चा हो और उष्णता की चर्चा न हो तो अग्नि की चर्चा हो सकती है क्या कोई ऐसी वस्तु हो कदाचित किसी कारण से उष्ण हो गई हो लेकिन किसी प्रकार से उष्णता को छोड़ देती है तो फिर क्या उसे अग्नि कहा जा सकता है पानी अग्नि के संयोग में आने पर गर्म हो जाता है परंतु अग्नि का संयोग हटते ही पुनः ठंडा हो जाता है तो उसने वो उष्णता छोड़ दिया तो इसका मतलब वह अग्नि नहीं हो सकती है और अग्नि के साथ चाहे जितना चाहे जो कुछ भी करो तो भी उष्णता छूटने वाली नहीं है उष्णता नहीं छूटेगी और कदाचित उष्णता छूट गई तो चली गई तो तो फिर उसे अग्नि नहीं मानेंगे अग्नि है ही नहीं वो उसे अग्नि कहते ही नहीं अग्नि उसे कहते हैं जो उष्णता में है उष्ण उश्न है उष्णता छूटती नहीं है ऐसे ही चैतन्य मात्र वस्तु वही है जो ज्ञान मात्र मयताम न जहाती वो भाव भाव शब्द यहाँ बस द्रव्य के अर्थ में भाव शब्द अनेक अर्थों में होता है या भाव शब्द द्रव्य के अर्थ में है वो द्रव्य ही चैतन्य मात्र वस्तु है जो ज्ञान मात्र मयताम न जहा जहाती माने छोड़ता नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ता है ज्ञान मात्र मय पने को नहीं छोड़ता है वो ज्ञान मात्र मैं पने को नहीं छोड़ता है ज्ञान मात्र में है ये बात क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहां बहुत सारी शक्तियों की बात की गई तो इतनी सारी शक्तियां हो गई तो जब सामान्यकरण किसी बात का हो जाता है तो विशेष बात उसके बीच में दब जाती है छुप जाती है किसी एक विशिष्ट व्यक्ति ने भी काम किया हो और ये कहा जाए कि ने मिलकर के काम किया सब ने मिलकर के काम किया तो फिर वो वो विशिष्ट जो है ना वो वो छुप जाता है उसका किसी को ख्याल नहीं आता सब ने मिलकर के किया लेकिन वास्तविक जिसने किया उसी की चर्चा हो तो फिर उभर करके आता है तो आत्मा की चर्चा और ज्ञान की चर्चा ऐसा नहीं हो सकता कि यहां तो आपने सैतालीस की चर्चा की अब उसके साथ साथ ये कह रहे हैं अकेला वह सैतालीस ही नहीं पहली पंक्ति इत्यादि निज शक्ति सुनिर्भरा अपी जीवत्व से लेकर के संबंध तक जितनी सैतालीस की बात की गई और उपलक्षण से और भी शक्तियाँ उसमें से समझ सकते हो ऐसी अनेक निज शक्ति अपनी स्वयं की शक्तियों की ही बात है इसमें भी औपचारिक नहीं है दूसरे से मिलकर होने वाली नहीं है दूसरे के सहयोग से होने वाली नहीं है स्वयं की निज शक्ति और ऐसे शक्तियों से निर्भर निर्भर मने निर्भर उस अर्थ में नहीं यहां निर्भर का अर्थ करते हैं चारों ओर से अच्छी तरह से भरा हुआ भरपूर सुनिर्भर और सुशब्द और लगा दिया गया सुनिर्भर चारों ओर से भरा हुआ और वह भी अच्छी तरह से भरा हुआ इसका मतलब कहीं रंच मात्र भी कमी नहीं है थोड़ी सी भी कमी नहीं है कैसी कैसी अद्भुत शक्तियां कल अपादान तो शक्ति की बात की थी अपादान शक्ति कल परसों की थी अपादान शक्ति कैसी अपादान शक्ति है ध्रुवत्वमयी कैसी ध्रुवत्वमयी उत्पाद व्यय आलिंगित उत्पाद व्यय का आलिंगन आलिंगन करते हुए ध्रुवत्वमय है और उत्पाद व्यय का आलिंगन करते हुए प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है और उसके कारण अपाय नाश हो सकता है होना चाहिए लेकिन निरपाय उसके बाद भी नाच नहीं हो रहा है वो वैसी जिसमें से ये उत्पाद वे निरंतर हो रहे हैं प्रति समय पर्याय निकलती है ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झाकता उसमें आतम राम वो प्रत्येक प्रति समय एक एक पर्याय ज्ञान की निकल रही काल से अनंत काल तक निकलती रहेगी लेकिन कभी नष्ट होगा ज्ञान पना नष्ट होगा द्रव्य में से द्रव्य नष्ट होगा तो ध्रुव ज्ञान में है वह त्रिकाल एक रूप रहने वाला गुरुदेव ने इसमें परमाणु को भी याद किया एक परमाणु कितना सा है छोटा सा परमाणु है तो परमाणु छोटा सा है तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा दो बातें कही एक तो पहले एक चर्चा करते हुए कही थी अनंत धर्म शक्ति के समय में वो उस एक छोटे से परमाणु में भी वास्तव में तो पुद्गल द्रव्य परमाणु है उस परमाणु में भी अनंत शक्ति जो गुणों का समूह रूप द्रव्य है तो वह एक परमाणु द्रव्य अपने आप में है तो उसमें भी अनंत शक्ति है अनंत गुण है अनंत धर्म है आत्मा की महिमा करते हुए जितनी कही जाती है ना कितनी इस लोक में जीव कितने और पुद्गल माने उससे अनंत गुणे पुद्गल उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश तीन काल के समय वो आगे पीछे हो जाता है उनमें से तो उसके उससे अनंत गुणे तीन काल के समय और उससे अनंत गुणे एक द्रव्य में गुण पाए जाते हैं कितने ये जो बात कही जा रही एक द्रव्य में वो एक परमाणु में है और वैसे उस परमाणु में भी अपादान शक्ति है इसलिए उस परमाणु में से प्रति समय प्रति समय पर्याय निकलती रहती है और आज तक परमाणु समाप्त तो नहीं हुआ ना अनंत काल तक समाप्त तो होगा वो फिर ईश्वर श्वास ले श्वास छोड़े हुँ? कुछ भी हो जाए उसे नींद आ जाए अभी आप लोग प्रमेरत माला की चर्चा कर रहे थे ना नींद आ गई तो वो प्रलय हो गया श्वास ले लिया तो क्या बन गया वेद ये सब कुछ नहीं बिगड़ने वाला है प्रकृति है प्रकृति अभी एक पीछे एक कार्यक्रम हो रहा था एक सम्मान समारोह उसमें एक पानाचंदी एडवोकेट थे वो विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण पत्रिका निकलती है उसके संपादक का सम्मान था तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हुए कह रहे थे सूर्य में से ऊर्जा प्रकाश और ताप निकल रहा है कब से और कब तक निकलता रहेगा अनादिकाल से निकल रहा है अभी भी निकल रहा है और आगे अनंत काल तक निकलते रहने वाला है कुछ कम ज्यादा हो गया होगा वो कम ज्यादा जितना होता है वो तो बादल और ये बीच में आते हैं इसलिए हमारे पास पहुंचने में कम ज्यादा होता होगा लेकिन उसमें जो ऊर्जा है वो निकल रही है निकल चुकी है और निकलती रहेगी तो कितना ऊर्जा का भंडार है वो वैज्ञानिक दृष्टि से बता रहे थे क्यों क्यों ऊर्जा का भंडार है और क्या है उन्हें उसमें जाने की जरूरत नहीं है ऐसे द्रव्य भी शक्ति, अनंत शक्तियों का ऐसा भंडार है जिसमें से प्रति समय पर्याय निकलती रहे लेकिन कभी समाप्त तो होने का प्रश्न तो है ही नहीं समाप्त तो होगा ये बात तो है नहीं, कमी नहीं होने वाली है पहले कुछ अधिक था इतने निकल गए इसलिए इतना कम हो गया ऐसा है ही नहीं वह तो अपने आप में उतना ही परिपूर्ण है तो ऐसे अनेक निज शक्ति सुनिर्भरा अपी इतनी शक्तियों से भरा हुआ होने पर भी तो होने पर भी क्या कहना चाहते हैं वह आत्म तत्व तो वो है जो ज्ञान मात्र मैताम न जाती भावा वो भले ही अनंत धर्म अनंत शक्तियां उसमें होंगी उनसे भरपूर है ऐसा होने पर भी वो है तो ज्ञान मात्र ही ज्ञान स्वरूप ही है मंगलाचरण रोज अपन पढ़ते थे क्या था अनंत शक्तियां उल्लसित यद्यपि आत्म राम और वो ज्ञान मात्र के ज्ञान को सैतालीस अभी अपन ऐसा भी कहे वो सारी शक्तियां आत्मा को ज्ञान मात्र रूप रहने रखने निरंतर ज्ञान मात्र रूप के लिए समर्पित जैसी है सारी शक्तियां इस रूप में कार्य करती हैं और इसलिए ज्ञान मात्र पने को कभी भी छोड़ता नहीं है एवं दो बातें हो गई एक हुआ अनंत शक्तियों से भरपूर है फिर भी ज्ञान मात्र पने को नहीं छोड़ता दूसरी बात ज्ञान मात्र पने को नहीं छोड़ता एवं क्रमाक्रम विवर्ति विवर्त चित्रम क्रम अक्रम विवर्ति विवर्त चित्रम विवर्त चित्रम उसके परिणाम उसके पर्याय चित्र चित्र विचित्र है अनेक प्रकार के हैं विवर्त परिणाम है। चित्रम चित्र विविध प्रकार के हैं पहली विविधता है क्रम अक्रम विवर्ती क्रम विवर्ती, अक्रम विवर्ती कुछ परिणाम ऐसे हैं जो क्रमशः होने वाले हैं और कुछ परिणाम ऐसे हैं जो अक्रम से होने वाले हैं क्रम से होने वाले विवर्त कौन से पर्याय नई नई पर्याय जो उत्पन्न होती जा रही है उत्पाद वे रूप से वे सभी क्रम से होने वाली है और अक्रम विवर्ती अनंत गुण धर्म शक्तियां जितनी एक साथ अक्रम से पड़ी हुई है युगपथ वह सब अक्रम विवर्त हैं और ऐसे उन विवर्ती उन परिणामों से विचित्र प्रकार के परिणाम वाला अनंत शक्तियों से भरपूर है इसलिए अक्रम और ऐसा होने पर भी प्रति समय ज्ञान 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 रूप से परिणमित होता है और उस परिणमित होने के साथ साथ वो जो अनंत शक्तियां हैं वो भी परिणमित होती है निर्मल पर्याय रूप से उछलती है और उनका उछलना क्रमश होता है शक्तियां अक्रम्स और उनका उछलना उनकी पर्याय क्रमश ये दोनों प्रकार के विवरति से विवर्त चित्रम ऐसे दोनों प्रकार के परिणामों से विचित्र प्रकार का विभिन्न प्रकार के भावों को धारण करने वाला अब ये दो विशेषताएं हो गई युगपत रहने वाली और क्रमश होने वाली इसी में से निकालते हैं तद्रव्य द्रव्य वो एक साथ अनंत गुणों का समुदाय रूप है त्रिकाल रहने वाला वो द्रव्य और क्रमश होने वाली जितनी विवर्त है वह है पर्याय इसलिए द्रव्य पर्यायमय द्रव्य पर्याय में जो है यह अस्थि वस्तु तत् तत् आ गया ना तत् वह द्रव्य पर्याय में ऐसी चैतन्य रूप वस्तु इस लोक में है इसके साथ ये और जोड़ दीजिए वह मैं हूँ ऐसी चैतन्य रूप वस्तु है नहीं यही मैं हूँ ऐसी चैतन्य रूप वस्तु है वह मैं हूँ अभी सिर्फ अभेद अखंड वो दृष्टि का विषय वाला याद करना चाहिए था ना लेकिन द्रव्य पर्याय मयम क्रमाक्रम विवर्ति विवर्त चित्रम ये दोनों बातें क्यों याद कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान मात्र तो पहले कहते आए हैं मात्र ज्ञान ही है ज्ञान स्वरूप ही है उसी से आगे बढ़ते हुए या उसका एकांत ग्रहण न करे उसी का अनेकांतपना सिद्ध करने के लिए कहा है ये बात चर्चा की है इसलिए कह रहे कि वह चैतन्य रूप वस्तु द्रव्य पर्यात्मक अनेकांतात्मक वह चैतन्य रूप वस्तु है परंतु फिर उस बात की तरफ ध्यान दिला दिया ऐसा होने पर भी ज्ञान मात्र मैं न जहाती फिर भी वो उसका संवेदन उसका संचेतन उसका अनुभवन ज्ञान मात्र के रूप में ही आने वाला है और बाकी सब विशेषताएं भले ही हो लेकिन ज्ञान स्वरूप ज्ञान मात्र ही है उसी तरफ का उसका संवेदन संचेतन उसी रूप में होगा बस यहां ध्यान आकर्षित कराते हैं उसे अकेला एक गुणरूप मान लिया तो भी वस्तु तक नहीं पहुंच पाओगे अकेला गुण होता ही नहीं है और अकेला अभेद अखंड द्रव्य ही मान लिया तो भी मिलेगा नहीं क्योंकि अकेला द्रव्य हो ही नहीं सकता बिना पर्याय के बिना अवस्था के इसलिए दोनों मिलकर की पूरी वस्तु बनेगी अनुभव के काल में उपयोग की स्थिरता के लिए निर्विकल्प ध्यान के लिए भेदों को पर्यायों को गौण किया जा सकता है गौण हो सकते हैं ये निर्णय करते समय अनेकांतात्मक पूर्ण वस्तु का निर्णय करना जरूरी है इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु का निर्णय द्रव्य पर्याय मयम चिद यहाँ वस्तु परंतु ज्ञान मयताम न जहाँती भावा ये दोनों बातें एक साथ ध्यान रखने की है और इसी के लिए सारी चर्चा की गई है मैं श्लोकार पढ़ता हूं फिर अपन एक बार श्लोक दोहराते हैं इस श्लोक में स्वयं की जीवतवादी अनेक शक्तियों से पूर्णतः परिपूर्ण होने पर भी जो भाव भाव का अर्थ आत्मा की आ, आत्मा आत्मद्रव्य ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता वह भाव आत्मा पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप विद्यमान होने से अब इस पूर्वोक्त प्रकार में एक तो अभी तत्काल जो बात कही उसको जोड़ सकते हैं और जो पीछे अनंत धर्मात्मक चर्चा की है सैताली शक्तियों में उनको और फिर उसके पहले जाते हैं तो ज्ञान में दो दो विपरीत बातें घटित की गई है तत्त नित्य अनित्य ये बीच चौदह सात विशेष सात युगल खटित किए है ना तो उनके उन प्रकार से भी क्रम रूप अक्रम रूप विद्यमान होने से अनेकाकार द्रव्य पर्याय में चेतन वस्तु है अनेकाकार द्रव्य पर्याय में चेतन वस्तु है ये जब इतने सब शक्तियों से भरपूर है तो ज्ञान मात्रपने को छोड़ती क्यों नहीं है ज्ञान मात्रपने को ज्ञान मात्रपने से कैसे ही है य, ये पहले जो बात कही गई उसको यहाँ एक तरह से पद्य में कहा जब वो साधवाद की चर्चा जब कर रहे थे ना तब एक प्रश्न किया था कि अनंत धर्मों में ज्ञान मात्रपन कैसे घटित होगा यहाँ अनंत शक्तियों से भरपूर कह रहे हो फिर आप उसे ज्ञान मात्र कैसे कहते हो बात पाँच सौ बेहतर पेज पर द्रव्य पर्याय में भी कह रहे हो क्रमअक्रम से होने वाले उन सब का समूह भी कह रहे हो फिर ज्ञान मातृपने को नहीं छोड़ता ऐसे कैसे पाँच सौ बहत्तर पर ननु मिला ननु क्रम अक्रम प्रवृत्त अनंत धर्म मयस् आत्मना कथम ज्ञान मात्रत्वं अनंत शक्तियों से भरपूर है गुण पर्यायों से सही है क्रम अक्रम वाले सब इनसे युक्त है फिर ज्ञान मात्रपणा कैसे परस्पर व्यतिरिक्त अनंत धर्म समुदाय परिणत परस्पर व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त भिन्न भिन्न क्योंकि ज्ञान से दर्शन अलग है दर्शन से चारित्र अलग है चारित्र से वीर अलग है वीर से सुख अलग है ऐसी तो सारी शक्तियां परस्पर भिन्न भिन्न है और पर्याय तो अलग अलग होती है अपने अपने समय में होती है नष्ट होती व्यतिरिक्त परस्पर भिन्न भिन्न ऐसे अनंत धर्म समुदाय परिणत लेकिन वो सब परिणत होते हुए भी एक व्यक्ति मात्र भाव रूपेण स्वयं भावना वो सब होते हुए भी एक व्यक्ति मात्र भाव रूप से ही हो रहे हैं जैसे प्रारंभ में चर्चा की ना जिस वस्तु का जो मूल वो जो सामान्य गुणों में तीसरा गुण तीसरा क्या दूसरा ही अस्तित्व के बाद वस्तुत्व तो प्रत्येक का जो अपना अपना वस्तुत्व है ना एक तरह से उस वस्तुत्व के कारण ही उसकी पहचान है वस्तुत्व माने प्रयोजनभूत कार्य क्रिया कार्य तो उसका मूल जो कार्य है तो जिस वस्तु का जो कार्य है एक तरह से लीजिए सारी शक्तियां सारे धर्म वो उसके लिए समर्पित जैसी होती हैं तो आत्मद्रव्य भी ज्ञान स्वरूप है इसलिए वह अनंत शक्ति के धर्म समुदाय रूप होने पर भी एक गप्ति मात्र भाव रूपेण स्वयं होना तो उसके बाद भी वे गप्ति मात्र भाव ज्ञान 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 रूप से वह परिणमित होता रहता है इसलिए वह अनंत धर्म होने पर भी ज्ञान मात्र पने को नहीं छोड़ता है इस प्रकार से क्रम रूप अक्रम रूप विद्यमान होने से अनेकाकार द्रव्य पर्याय में चेतन वस्तु है वह आत्मद्रव्य वह चैतन्य मात्र वह वस्तु है अर्थात ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु होती है ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु को समझने का प्रयोजन क्या श्रीमद जी का वाक्य में पहले भी अनेक बार सुनाया क्या है अनेकांतात्मक ऐसे वस्तु को समझने का प्रयोजन सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति के सिवाय अनेकांत और किसी प्रयोजन का नहीं है माने ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु को समझकर त्रिकाल, ध्रुव एक रूप अभेद अखंड ऐसा रहने वाला जो अपना आत्मस्वरूप है उसका लक्ष्य करना उसका वो मैं हूं तो फिर वो एकांत हो गया ना ये समझ कर वहां पहुंचेंगे तो सम्यक एकांत है और वो अपना निज पद है वो असली है क्यों जो हुए आज तक अरिहंत अंत सबने अपना यही पंत मतलब वो उसका ही आश्रय किया बहुत सारी गाथाएं बहुत सारी सब बातें आती है ना सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप सब सम्यक आचरण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है ये सब जिसमें से निकल रही वो कौन आत्मा वो त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहने वाला द्रव्य स्वभाव वाला पर्याय का लक्ष्य करने से नहीं चलेगा प्यय मूड़ा ही पर समय और पर्याय मूड़ पर समय है का अर्थ एक समय की परिणमित होने वाली पर्याय का लक्ष्य करना अकेला इतना मात्र नहीं गुण भेद में गए तो भी पर्याय है गुण भेद भी पर्याय है भेदों में चले गए तो भी पर्याय में चले गए विकल्पों में उलझ गए उनका लक्ष्य छोड़ करके आने वाली सब चर्चा धीरे धीरे ये भी आगे उपाय उपेय भाव की चर्चा आएगी ना दो सौ नंबर पेज पर ये चार पांच श्लोक बीच में और आएंगे इसके बाद में पुनः अखंडता की तरफ जाने वाले हैं न द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न कालेन खंडयामी न भावेन खंडयामी सो विशुद्ध को ज्ञान मात्र भावोस्मी फिर वहीं लेकर के आए वो उत, उसका तो निषेध करने के लिए चर्चा प्रारंभ की थी ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र कहते हैं केला ज्ञान मात्र मत समझना अनंत धर्मात्मक है अनेकांतात्मक है समझ लिया अब क्या अनुभव करना सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भावो अस्मि फिर वहीं पहुंचे ना लेकिन वो एकांत के साथ जाओगे तो मिलेगी नहीं एकांत के साथ जाओगे तो फिर वह आपका मात्र कल्पना मात्र होगा अनेकांतात्मक वस्तु समझ कर प्रयोजन के लिए दूसरे पक्ष को भेदों को पर्यायों को गौन करते हुए उसका हम लक्ष्य करते हैं बोलिए श्लोक और पद एक बार बोली इध शूपी योग न जहाति भाव एवं क्रमाक्रम विवर्ति विवर्ती विवर्त चित्रम तद्र विपर्यमय वस्तु इत्यादि अनेक शक्ति से भरी हुई है फिर भी ज्ञान मात्र को नहीं छोड़ती और क्रमाक्रम भाव से जो मेचक होकर द्रव्य और लोक में क्रमाक्रम भावों से जो मेचक होकर क्रम मेचक, हो मेचक क्या होता है वो जो चित्र शब्द है उसका नाम मेचक मेचकाकार अनेक आकार अनेक रूप उसको मेचक शब्द कहते हैं चले अब दो सो पेसट् वाला कलश नैकान्तसङ्गतदृशा स्वयमेव वस्तु तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्त संता ज्ञानी वंतीमलता तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द संतहा संत और चौथी पंक्ति ज्ञानी भवंती संता ज्ञानी भवंती संत ज्ञानी होते हैं वो संत की बात इसलिए भी कर रहे हैं आगे उपाय उपेय अधिकार आने वाला है उस उपेय रूप से परिणमने वाले संत संत और उसका उपाय उपाय रूप परिणमने वाले संत उपेय रूप ज्ञानी हो जाते हैं ज्ञानी बन जाते हैं संता ज्ञानी भवंती संत ज्ञानी होते हैं और वो संत संतपने में दोनों बातें आने वाली है ज्ञान और क्रिया दोनों अकेला ज्ञान से काम नहीं चलेगा क्रिया से काम नहीं चलेगा ज्ञान और क्रिया दोनों ही आएगी साधवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम साधवाद की कुशलता भी जरूरी है संयम की निश्च निश्चलता भी जरूरी है तो साधवाद की कुशलता और संयम दोनों जिनमें हैं वो संत हैं दोनों प्रकार की बातें आएंगी यहाँ ये कह रहे हैं संत ज्ञानी होते हैं लेकिन कौन और कैसे जननीतिमल्घयनता जिन नीति का उल्लंघन न करते हुए जिन नीतिम अलंघयता यदि जिन नीति का उल्लंघन करते हो तो तो संति ही नहीं है मैं कहता हूं सही मैं कहता हूं सच मैं कह रहा हूं नहीं आचार्यों ने ऐसा लिखा है हम भी आचार्य है ना इसलिए हम कहते हैं जिन नीतिम अलंगयंता यदि वो जिनेन्द्र भगवान की नीति और जिनेन्द्र भगवान की नीति जिनेन्द्र भगवान का उपदेश जिनेन्द्र भगवान का कथन जिन वाणी वह वस्तु के स्वरूप के अनुसार कथन करने वाले उनने कोई नीति अपनी अलग से बनाई नहीं है किस नीति पर चलना पड़ेगा ऐसा चलना पड़ेगा वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया जैसी वस्तु उसका विवेचन किया वही जिन नीति है जिनेन्द्र भगवान की नीति है तो उस जिन नीति का उल्लंघन न करते हुए वो संत जो है ज्ञानी होते हैं लौकिक दृष्टि में भी नीति शब्द है ना इसलिए बात कह रहा हूं नीति बहुत पढ़ा लिखा हो और नीति का पालन नहीं करता हो तो गलत आचरण करता हो पढ़ा लिखा हो और बोलने में गाली गलोच करता हो तो बहुत से लोग ये कह देते ना ये पढ़ा लिखा गंवार है तो पढ़ा लिखा भी कहते और ये गंवार गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं गाली गलोच करते हैं तो पढ़े लिखे तो ऐसा कैसे कर सकते हैं नैतिकता का उल्लंघन करें और फिर पढ़ा लिखा भी कहलाए ऐसा कैसे हो सकता है वैसे धार्मिक होने की पहली शर्त वैसे नैतिक होना है यदि नैतिक नहीं है तो धार्मिक भी नहीं है क्यों क्योंकि सामान्य सदाचार भी जीवन में नहीं है तो धर्म तो बहुत आगे की चीज है सदाचार वास्तविक धर्म नहीं है सदाचार तो उस धर्म का एक सामान्य आधार रूप है असली धर्म जिनके जीवन में सामान्य सदाचार नहीं है असली धर्म कैसे प्रकट होगा मंदिर जाने से क्या होता है पानी छान कर पीने से क्या होता है क्या हो इनसे क्या फर्क पड़ता है रात्रि भोजन करने से क्या फर्क पड़ता है जनन्द्र भगवान का अहिंसात्मक उपदेश है अहिंसात्मक मार्ग है ये नीति है अहिंसात्मक हमारा जीवन यदि अहिंसात्मक नहीं है तो भगवान की वाणी कहा मान रहे भगवान की बात को कहा मान रहे हैं भगवान का आदेश भगवान का उपदेश कहा मान रहे हैं और भगवान का आदेश उपदेश ये सामान्य आदेश सामान्य उपदेश नहीं मान पा रहे हैं तो फिर तात्विक बातों को कैसे स्वीकार करेंगे तात्विक बातों को कैसे मानेंगे इसमें क्या होता है मैं नहीं कर पा रहा हूं ये अलग बात है मैं उसका पालन नहीं लेकिन ये ठीक नहीं है ये उचित नहीं है अहिंसात्मक जो सदाचरण चरणानयोग भी कहा हुआ है वो चरणानयोग उसके सुमेल इसलिए मैं दोनों का सुमेल सुनिश्चल संयमाभ्याम साधवाद कौशल सुनिश्चल संयम निश्चय व्यवहार दोनों की बात है का संयम तो दूसरा ही रहेगा निश्चय परक संयम लेकिन व्यवहार परक संयम भी तद अनुसार होता ही ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में वे ही आत्मलीन हो सकते हैं जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हो निरतिचार कदाचित अतिचार लगे तो थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन यदि अनाचार हो गया तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा लीन हो ही नहीं सकते हैं जहां वो शुभोपयोग की स्थिति अंतरंग की वो यदि घट गई उससे तीव्रता आई तो नियम से गुणस्थान गिरते ही गिरता है गिरेगा वो वो फिर कितना भी जोर लगाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं होगा वो।, वो क्यों आया क्योंकि वो स्थिरता का अभाव हुआ है स्वरूप की स्थिरता का अभाव हुआ है इसलिए उससे तीव्र कषाएं आई है तो उससे तीव्र कशाए आई मतलब नीचे आए तो बाहर में क्रियात्मक रूप में भी भावात्मक रूप में भी अरे यहां पंचम गुणस्थान पंचम गुणस्थान की स्थिति कब आती है पंचम गुणस्थान की स्थिति जो प्रतिमा की परिभाषा दी है ना उस प्रतिमा की परिभाषा में तीन चीजें घटित होनी चाहिए क्या क्या संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम तीनों चीजें होना चाहिए अंदर संयम का अंश जागृत होना चाहिए संयम का अंश जागृत हुआ ये पता कैसे चलेगा वो जो स्टोप देश का श्लोक दिया हुआ है ना यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपी तथा तथा समायाति संवित तत्व उत्तमम पानी विषय सुलभ होने पर भी उनकी रुचि उनकी तरफ भाव नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हम अपनी तरफ अब अप आ रहे हैं तो हो गया ना अब हमारे अंदर संयम आ गया ना इतना इतने से काम नहीं चलेगा वो अब भोगों के प्रति अरुचि होनी चाहिए तो हो गई ना भोगों के प्रति अरुचि उदय प्रतिज्ञा को भयो आप आपको अनुव्रत अंगीकार करने ही होंगे और जब अनुव्रत अंगीकार पूर्वक होंगे तब पंचम गुणस्थान होगा द्रव्यलिंग पहले होता है कि भावलिंग पहले होता है द्रव्यलिंग पहले कि भावलिंग पहले अच्छा अभी गलत पूछ लिया मैंने अच्छा छठवे में द्रव्यलिंग सातवें में भावलिंग ठीक है ना छठवे में द्रविलिंग सातवें में भावलिंग माने ऐसा तो, तो पहला छठवा की पहले सातवा गुणस्थान होता है सातवा पहले होता है और फिर उसमें से गिर करके छठे में आते हैं तो सातवा पहले होता है तो सीधा सातवें में माने उपयोग में पहुंचते हैं तो पहले उपयोग में पहुंचते हैं उपयोग होता है फिर भाव आते हैं कि वस्त्रादि छोड़े त्याग करें तब फिर उपयोग आता है छठवें गुणस्थान में आते हैं ऐसा होता है ना क्या होता है फिर पहले बुद्धिपूर्वक वस्त्र छूटते हैं तभी सातवें गुणस्थान में पहुंच के पूर्व में द्रव्यलिंग हो नग्न दिगंबर दशा हो तो पूर्व से ही है तो वो अपने पुरुषार्थ से स्वसन्मुखता की वृद्धि हो जाए तो पहुंच जाए परंतु तो जो क्रम से चल रहे हैं पहले वस्त्रादि छूटेंगे तभी वह सातवें गुणस्थान में पहुंच सकेंगे शुद्धोपयोग में पहुंच फिर छठे सातवें में चलता रहेगा वह अब वो एक बाहर के छोड़ने की बात प्रतिज्ञा नियम पूर्वक छोड़ना पड़ेगा ये भी जिन नीति है अब दूसरी तरफ की जिन नीति ये भी है टोडर मल जी तीन शब्दों में लिखते हैं जिन धर्म की तो यह आमनाएं है कि पहले तत्व ज्ञान हो पश्चात व्रताधिक अंगीकार करे कुछ तत्व ज्ञान कुछ भी नहीं है अकेला क्रियाकांड मात्र अंगी बाहर से धारण कर लिया उससे भी काम नहीं चलेगा तो ये ये बाहर का सदाचरण वह भी उतना ही आवश्यक है यहाँ जो नीति चल रही है जिन नीति वो न्याय की नीति की बात चल रही है वो लौकिक न्याय की बात नहीं वो प्रमाण न्यय वाले न्याय की बात चल रही उस नीति की बात चल रही है उस नीति का अनुसरण अर्थात वो प्रमाण न्यायात्मक वस्तु या प्रमाण न्यय से निर्णित वस्तु का जो लक्ष्य करेंगे वे ज्ञानी हो सकते हैं जनेद्र भगवान की नीति है उसका जो उल्लंघन नहीं करते हैं वे ज्ञानी होते हैं अब वो उसका अनुसरण कर जिन नीति का अनुसरण करने के लिए क्या करते हैं कैसे वहां तक पहुंचते हैं देखिए नैकांत संगत दृशा वस्तु तत्व वस्तु तत्व व्यवस्थितिम इति प्रविलोक वह संता का दिया संता प्रविलोकयंता जो संत है इस प्रकार विलोकयनता विलोकयनता अवलोकन करते हुए विशेष रूप से देखते हुए और प्रशब्द और लगा दिया प्रविलोकयनता उत्कृष्ट रूप से अवलोकन करते हुए देखते हुए किसको देखते हुए उसके पहले का शब्द वस्तु तत्व व्यवस्थितिम वस्तु तत्व कैसा व्यवस्थित है वस्तु तत्व कैसा है व्यवस्थित किस तरह से क्या है वस्तु की व्यवस्था तो उस वस्तु की व्यवस्था को अच्छी तरह से देखते हुए प्रविलोक यंतहा तो अच्छी तरह से देखने के लिए दृष्टि भी अच्छी चाहिए ना? दृष्टि अच्छी हो तब तो अच्छी तरह से देख सकेंगे तो वस्तु व्यवस्था को देखने की कौन सी अच्छी दृष्टि है नैकांत संगत दृशा उस दृष्टि के द्वारा तृतीय विभक्ति है उस दृष्टि से उस दृष्टि के द्वारा कौन सी नेकांत संगत नैकांत संगत क्या होता है वो न एकांत न एकांत अनेकांत तो अनेकांत अनेकांत से युक्त दृष्टि अनेकांतात्मक दृष्टि तो अनेकांति लिखते ना न एकांत लिखने की क्या जरूरत थी देख लो एक शब्द बढ़ जाएगा एक अक्षर बढ़ जाएगा उसमें से अनेकांत लिखने की कोशिश करेंगे तो एक शब्द बढ़ जाएगा तो छंद के हिसाब से न एकांत कर दिया उसे नएकांत संगत दृशावर अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से वस्तु तो नित्य भी है अनित्य भी है एक भी है अनेक भी है अभेद तो है ही लेकिन भेद रूप भी है ये, ये पूरे वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा वो अनेकतात्मक ज्ञान मात्र कह दिया बस ज्ञान मात्र है ज्ञान मात्र है लेकिन ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र है है ना जानने में आया कब से ज्ञान मात्र है अनादि से है अनंत काल तक रहने वाला है है जानने में आ रहा है इसका मतलब अस्तित्व गुण है ज्ञान मात्र है ऐसा जानने में आ रहा है इसका मतलब प्रमेयत्व है और अनादि से है आगे तक जान जा रहा है इसका मतलब द्रव्यत्व है चल रहा है बराबर ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र गए उसका वस्तुत्व है ये, ये सारे गुण उसके साथ में सहज में है तो ज्ञान मात्र कहने पर भी वो अनंत धर्म भी उसके साथ में है इसलिए एकानेक भेद ऐसी दृष्टि से अकेला एकांत की दृष्टि से नहीं न एकांत संगत अनेकांतात्मक दृष्टि से जो स्वयमे वस्तु तत्व की व्यवस्था को अच्छी तरह से देखते हैं प्रविलोक अंत स्वयमे वस्तु तत्व व्यवस्थिति प्रविलोक अंत और जब ऐसे अनेकांतात्मक दृष्टि से देखते हैं वो जो स्यादवाद है ना सद्वाद शुद्धिम अधिका अधिगम्य फिर वह साधवाद की शुद्धि को अधिक से अधिक जानते हुए तो साधवाद की शुद्धि का मतलब वह आपको गौन मुख्य करने की अच्छी तरह व्यवस्था आती है और करते भी है लोक में गौन मुख्यता करते भी हैं जब आप लोग ज्यादा ही उदम करने लगते हो तो चाहे जितने भी अच्छे हों तो भी डांट पड़ती है तो वो कहेंगे हम तो इतनी पढ़ाई करते हैं हम इतना करते हैं ऐसा करते हैं फिर भी डांट रहे हैं अब वो आपकी सारी पढ़ाई ख्याल में रहती हैं लेकिन उस समय गौन हो जाती हैं और क्या दिखता है अभी जो गलती की है और फिर कोई गलती हुई माफ़ कर दिया लेकिन इतनी बड़ी गलती की माफ़ कर दिया क्यों कर दिया ठीक है गलती दिख रही है लेकिन बाकी की और अच्छाई अभी दिखाई देती हैं तो कब किसको गौन करना किसको मुख्य करना तो अपने तो जैसे ये देखने जानने आता है तो लौकिक दृष्टि से भी सहज रहता है ऐसे ही अनेक दृष्टि से जिन्होंने वस्तु व्यवस्था को देख लिया साधवाद शुद्धि अधिका अधिगम्य साधवाद की अधिक शुद्धि को साधवाद तो अपने आप में शुद्ध है ये पहले भी बात आई थी सायादवाद शुद्ध अर्थम को शुद्धि नहीं करनी है वह साधवाद के स्वरूप को हमने गलत समझा था वह हमारी जो भूल थी उसमें हमारी कुछ अशुद्धि आई थी वह हमें दूर करनी है इसके प्रकरण के माध्यम से तो जिन्होंने अनेक दृष्टि से देखा उनकी यहाँ साधवाद की कुछ अशुद्धि थी वो चली गई और उस शुद्धि को अधिक से अधिक जानते हुए वे संता ज्ञानी भवंती थी मलंग यही जिननीति है एक अनेक दृष्टिकोण से देखना और श्यादवाद की शुद्धि को प्राप्त करना ये जिन नीति है जो ऐसे जैन न्याय प्रमाण नय से वस्तु को देखना प्रमाण नय से देखने के बाद भी पीछे नवा या दसवा कलश है नवा कलश होगा अनुभव मुपयाते भातिण द्वैतमेव जब अनुभव प्रकट हो जाता है आत्मानुभव तक पहुंचते हैं उदयति नय श्री अस्तमेति प्रमाणम विद्मो याति निक्षेप चक्रम ये कहीं पता नहीं जिन प्रमाण नयों से वस्तु को जान लिया है जब अनुभव होता है तो कहाँ चले जाते पता नहीं है तो पहले थे अब चले गए तो जानने के लिए मुख्य किया था अनुभव होने लगा तो गौण हो गए चले गए का मतलब गौण हो गए ये मुख्यता गौणता ये जिन नीति इसको जो अपनाते हैं ज्ञानी भवंती थी निश्चित रूप से ज्ञानी होते हैं अर्थ इसका अनेकांत संगत दृष्टि के द्वारा अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्था को स्वयंव देखते हुए स्यादवाद की अत्यधिक शुद्धि को जानकर कर जिनवर देव की नीति का उल्लंघन न करते हुए सत्पुरुष ज्ञानी होते हैं और यही सत्पुरुष है जिन नीति का उल्लंघन नहीं करते हैं बोले श्लोकार्पद्यानुवाद बोलि नैकान्तसङ्गतदृशा स्वयमेव वस्तु तद्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्त स्याद्वाद् शुद्धिमधिकामधिगम्य सन्तो ज्ञानी भवन्ति जननीतिमलयन्त अनेकांत की दिव्य दृष्टि से स्वयं देखते वस्तु तत्व की उक्त व्यवस्था अरे संत जन की अधिकाधिक शुद्धि को अर नहीं लांग कर जिन नीति को ज्ञानी होते वस्तु तत्व की उक्त व्यवस्था जो यहाँ भी बताई गई साधवाद की दृष्टि से पूरे ग्रंथ में ज्ञान मात्र कहते रहे और अब यहाँ कर आकर के उसे अनेकांतात्मक कहा तो अनेकांतात्मक ज्ञान मात्र ये दोनों दृष्टि से जो कहा गया है वो व्यवस्था उसे बराबर जानकर संतजन साधवाद से समझते हुए जिन नीति का अनुसरण करते हुए ज्ञानी होते हैं ऐसी जिन नीति का अनुसरण करते हुए हम भी ज्ञानी बने कैसे ज्ञानी बने क्या उपाय है ज्ञानी बनना उपेय है और उसका उपाय क्या है अब अगले उपाय उपेय अधिकार में इसकी चर्चा करेंगे बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को शत बार